उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ARTO में चतुर्थ विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा के लिए शुभारंभ के मौके पर PTO मदन चंद्र ने चालक और ड्राइवरों को यातायात के नियम को बताते हुए संबोधित किया, जिससे कि RTO ने सड़क सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा। विधायक बंगरमऊ श्रीकांत कटियार और सिटी मजिस्ट्रेट ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर RTO आदित्य कुमार त्रिपाठी, PTO मदन चंद्र व सिटी मजिस्ट्रेट और संभागनी निरीक्षण कृष्ण कुमार यादव रहे। आपको बता दें कि उन्नाव RTO को चतुर्थ विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह के आयोजन के मौके पर शुभारंभ करने पहुंचे बंगरमऊ विधायक श्रीकांत कटियारिया ने बताया कि सड़क सुरक्षा के पालन ना करने पर दिन प्रतिदिन सड़क हादसे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा ये विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिससे सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है इसकी जानकारी दी जा रही है। उसके बाद सभी लोग यहाँ पर जो पहुँचे तो उन्होंने ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जो है शपथ ली। RSony न्यूज के लिए आप देख रहे हैं मोहम्मद आरिफ अहमद की खास रिपोर्ट RSony न्यूज पर। जैसे यहाँ पर ई रिक्शा काफी खड़े हुए हैं, एक सबसे बड़ी समस्या आती है उन्नाव में वो ये है कि कहीं भी कोई भी अपनी गाड़ी पार कर देता है। ई रिक्शा कहीं भी खड़े हो जाएंगे, कोई भी निश्चित स्थान पर खड़ी नहीं करता। जहाँ पे सवारी मिलेगी वहीं पर भी सवारी भरने लगते हैं, जहाँ सवारी ने कहा वहाँ उतार दिया। अन्य जो बड़े शहर हैं, दिल्ली हो या मुंबई हो, आप कहीं पे जाकर देखें ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी गाड़ी खड़ी करके सवारी भर ली, कहीं भी गाड़ी खड़ी करके उतार दी। एक निश्चित स्टॉपेज होता है, वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहीं पर सवारियाँ बैठती हैं, वहीं पर उतरती हैं। अन्य विभागों के नशे की स्थिति में वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। हम सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। यातायात संबंधी नियमों का पालन करेंगे। अच्छा, सप्ताह मनाया गया है, किस तरीके का इस सप्ताह में सावधानियां बरतनी रहेंगी ड्राइवरों को और वाहन स्वामियों को? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा यह चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह आज दिनांक 18 से एक सप्ताह के लिए प्रारंभ किया गया है 24 तक। इसमें जनपद के आए हुए समस्त ड्राइवर्स जनता को आगाह किया गया है कि यातायात नियमों का पालन करें और रोड पर नियंत्रित होकर अनुशासित होकर वाहन चलाएं, जिससे कि सड़क दुर्घटना होने की स्थितियां ना उत्पन्न हों और जागरूकता का माहौल जनपद में उत्पन्न हो और कोई भी मार्ग दुर्घटना से बचा जा सके। आपने शुभारंभ किया है, किस तरीके का सप्ताह है, क्या इसमें नई चीज़ें होंगी? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, पूज्य योगी आदित्यनाथ द्वारा, आज के जो माहौल में वातावरण जो सड़कों पर नियमों का पालन ना करने की वजह से काफ़ी कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा ये विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया गया है जन जागरण के लिए और नियमों का पालन करने के लिए। इसलिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ये सरकार की प्राथमिकता है, लोगों की सुरक्षा स्वास्थ्य इसके बारे में। तो जो रोड पे है, रोड एक्सीडेंट के दुर्घटना के कारण बहुत सी घटनाएं होती हैं, तो उसको रोकने के लिए सरकार का सर्वोच्च बढ़िया सा कदम है। इस पर हम सब मिलकर के और प्रशासन ही नहीं, सारे जनमानस के सहयोग से इसको कम किया जा सकता है।